दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं टीएस एलियट को डिस्कस करूंगा। टीएस एलियट का दोस्तों 20th सेंचुरी की पोएट्री और क्रिटिसिज्म में बड़ा ही गजब का कंट्रीब्यूशन था। ये चार पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो, तो दोस्तों यार टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले तो टीएस एलियट की लाइफ और इनके वर्क्स को देख लेते हैं, हम इन पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा, साल 1888 में सेंट लुइस नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ। अमेरिका में है ये जगह। फिर बाद में ये पढ़ाई के पर्पस से यूरोप आ गए और फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के चलते इनको इंग्लैंड में ही रहना पड़ा। ये वापस अमेरिका नहीं जा पाए, यहीं पर रह करके छोटे मोटे काम किए, जैसे टीचिंग, बैंक में क्लर्क बनना। ज़िंदगी जीने के लिए उस वक्त ये छोटे मोटे काम कर रहे थे। उस वक्त यहाँ पर इंग्लैंड में इनके एक दोस्त बने जिनका नाम था एज़रा पाउंड। एज़रा पाउंड दोस्तों नाम सुना होगा आपने, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है एज़रा पाउंड का। एज़रा पाउंड ने इन्हें बड़ा प्रभावित किया। इन्होंने ही आगे चल करके टी एस एलियट को सलाह दी कि इनको अपनी पोएम द वेस्टलैंड में कुछ काट छांट करनी चाहिए। दोस्तों एलियट बहुत ही छोटी उम्र से ही गर्म विचारों के थे, लेकिन अपने बहुत सारे हार्डवर्क से एलियट को आगे चलकर वर्ल्ड का एक ग्रेटेस्ट पब्लिशिंग हाउस है जिसका नाम है फेबर एंड फेबर, उसके डायरेक्टर बने ये। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जान लो दोस्तों, ये जो नाम मैंने बताया फेबर एंड फेबर, ये वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस पब्लिशिंग हाउस है जिसने कुछ फेमस इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स को छापा है, जैसे विलियम गोल्डिंग की लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उसको इसी फेबर एंड फेबर ने छापा था। तो इस पब्लिशिंग हाउस के कभी डायरेक्टर थे टी एस एलियट। तो इसके बाद यही इंग्लैंड में सेटल हो गए टी एस एलियट हमेशा के लिए। काम भी था, इज्जत भी थी, शादी भी हो चुकी थी, शादी भी यहीं पे कर ली। और 39 साल की उम्र आते आते इन्होंने अमेरिकी पासपोर्ट को छोड़ दिया, त्याग दिया एक तरह से, और इंग्लैंड इनको भाग गया था। इंग्लैंड में ही 1965 की जनवरी का महीना था, 76 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। अब बात करते हैं इनके ऑक्यूपेशन की, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, व्यवसाय क्या काम करते थे। ये एक पॉइट थे, क्रिटिक थे, ड्रामेटिस्ट थे, एडिटर भी थे, वर्ड्स ड्रामा लिखते थे ये दोस्तों। ड्रामेटिस्ट अगर हम इनको कहें तो ये वर्ड्स ड्रामा लिखते थे जिसमें ड्रामा को भी एकदम पोएटिक बना दिया जाता है। दोस्तों जब इन्होंने पोएट्री पब्लिश करना शुरू किया तो विक्टोरियन लिटरेचर, विक्टोरियन रोमांटिक लिटरेचर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्रिटिक भी थे, तो पता नहीं क्यों इनको 19th सेंचुरी की पोएट्री बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बल्कि 16th और 17th सेंचुरी के राइटर्स को ये ज़्यादा पसंद करते थे। शुरुआती दौर में ऐसी पोएम्स लिखी इन्होंने, लेकिन बाद में टी एस एलियट ने मज़े के साथ, जोश के साथ पोएट्रीज लिखी। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि टी एस एलियट बहुत ही एक डिफ़िकल्ट पोएट थे, इनके क्रिटिक्स भी कहते थे ये बात। अब दोस्तों अगर मैं इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करूँ, तो पढ़ाई करने के दौरान इन्होंने शुरुआत में स्कूल मैगजीन्स वगैरह में अपनी इमैच्योर पोएम्स को पब्लिश करवाया था। फिर इसके बाद साल 1917 में जी अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, द प्रेल्यूड्स जैसी बड़ी बड़ी पोएम्स को इन्होंने पब्लिश करवाया साल 1917 में। फिर इसके बाद साल 1918 से 1925 तक इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स आती है, जिसमें द वेस्टलैंड 1922 भी शामिल है। इसके बाद 1925 से 1935 तक एलियट ने क्रिश्चियन पोएट्री लिखना शुरू की। उसके बाद जो हिस्सा था उसमें रिलीजियस पोएट्री लिखते थे एलियट। अब बात करें ड्रामास की, तो ड्रामा भी इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स ड्रामास लिखे हैं, पोएटिक ड्रामास, मैंने आपको बता दिया था। ऐसे ड्रामास जिसमें एकदम पोएम की तरह जो लिखे जाते हैं वो ड्रामा, तो उसको हम वर्ड्स ड्रामास बोलते हैं, जैसे मर्डर इन कैथीड्रल। ये कुछ 5-6 ड्रामास के नाम हैं जो टी एस एलियट ने लिखे थे। प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कुछ आर्टिकल्स और एसेज वगैरह भी लिखे थे जिनको हम प्रोज कह सकते हैं। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट भी इसी में शामिल है। तो ये सब कुछ वर्क्स थे टी एस एलियट के। अब मैं इसके बाद अपना दूसरा पॉइंट टी एस एलियट की एज और मॉडर्न पोएट्री की बात करता हूँ। जिस एज में टी एस एलियट थे उस एज का टी एस एलियट पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उनके अपने टाइम के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लिटरेरी टाइम का जो इन्फ्लुएंस उनकी पोएम द वेस्टलैंड में आप देख सकते हैं। वेस्टलैंड दोस्तों मॉडर्न एज का एक एपिक माना जाता है, मॉडर्न एज का एपिक माना जाता है इस वेस्टलैंड को। साल 1914 में एलियट इंग्लैंड आए थे तो इस वक्त इंग्लैंड में बस चिंता का माहौल था। दोस्तों इस एज को बहुत सारे राइटर्स द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ आकर एलियट यहाँ के माहौल से बड़ा प्रभावित हुए। दूसरा, ये एज नए आइडियाज़ की एज थी। साल 1915 में आपको मालूम होगा रशिया में मार्क्सिज्म का बड़ा बोलबाला हो गया था। अब ये मार्क्सिज्म सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं रहा, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ मार्क्सिज्म से बड़ा प्रभावित हो रही थी। तो नए नए आइडियाज़ आ रहे थे, दूसरी अलग अलग फील्ड्स में बड़ी बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट्स की जा रही थी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने
दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट की। लिटरेचर की अगर बात की जाए तो लिटरेरी राइटर्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस जैसे राइटर्स। इसके अलावा नई नई वैल्यूज़ को खोजा जा रहा था और मास मीडिया का बड़ा रेवोल्यूशन आया था उस वक्त। दोस्तों ये क्रांति बन के आया था मास मीडिया उस वक्त। मैगजीन्स और प्रिंटिंग प्रेस बड़ी पॉपुलर हो रही थी इस वक्त, जिसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। क्वालिटी पर तो कोई ध्यान नहीं देता था और क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाता था। इसके बाद अलग अलग चीज़ें आ गई मार्केट में जिन्होंने अपनी छाप लिटरेचर पर छोड़ दी, जैसे सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन। ऐसी चीज़ों का यूज़ बस कमर्शियल और एंटरटेनमेंट पर्पज़ से किया जाता था, जिससे वैल्यूज़ तो गिरती गई और वल्गरिटी बढ़ती गई। लिटरेचर पर भी इसने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा, जैसे मार्केट में डिटेक्टिव स्टोरीज, कॉमिक्स, सेक्सी मैगजीन्स और ब्लू फिल्म जैसी चीज़ें आ गई। अब ऐसी हालत में अगर आप वेस्टलैंड पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप T.S. Eliot की एज को समझ रहे हो, इसलिए इस पोएम को मॉडर्न एज का एपिक माना जाता था। दोस्तों यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि T.S. Eliot की एज किस टाइप की थी और मॉडर्न पोएट्री पर इस एज ने किस टाइप से अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा था। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, बात करते हैं T.S. Eliot की पोएट्री की थीम्स क्या होती थी। Eliot को दोस्तों अपनी एज की गहरी समझ थी, तो वो लंदन को एक अनरियल सिटी बोलते थे। इनकी पोएट्री की खास बात क्या होती थी कि ये अपनी पोएट्री को खूबसूरत बनाने के लिए पेड़ पौधों, फूलों, खेतों, इनकी तारीफ नहीं करते थे, बल्कि लंदन की गलियों, घरों और लोगों की बातें करते थे, क्योंकि ये लंदन को एक अनरियल सिटी मानते थे। ये उस सिटी की अगलीनेस दिखाते थे और यही थीम्स होती थी इनकी पोएट्री की। गहराई से सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ मेटाफिजिकल इमेजेस भी यूज़ करते थे ये अपनी पोएट्री में। हम ये कह सकते हैं कि जॉन डन से इन्होंने कुछ मेटाफिजिकल पोएट्री की इमेजेस उधार ली थी। जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक नाम की एक इनकी पोएम थी, उसमें इन्होंने मेटाफिजिकल इमेजेस यूज़ की हैं बहुत सारी। इसके अलावा दोस्तों ये अपनी पोएम्स में नई टेक्निक्स का यूज़ करते थे। मैं आपको बताऊँ, इनकी पोएट्री पढ़ने में इतनी डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती थी क्योंकि ये अपनी पोएट्री के अंदर एंशंट कल्चर की मिथ्स को भी इंक्लूड करते थे। एक खास बात ये कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर इनकी राइटिंग्स की खास बात होती थी। मतलब आप देखोगे कि Eliot की पोएट्री कॉमन प्लेस सब्जेक्ट के साथ डील नहीं करती थी, जैसे नाइटिंगेल, कुकू या फिर डेफोडिल्स, बल्कि इनकी पोएट्री हार्श कॉम्प्लेक्स रियलिटी, मॉडर्न अर्बन लाइफ से डील करती थी। तो सीधी सी बात है, अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो पोएट्री भी कॉम्प्लेक्स होगी। अब आज की इस वीडियो का मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि Eliot के लिटरेरी वर्क्स पर किस किस का इन्फ्लुएंस था। दोस्तों सबसे पहले तो इनके खुद के पेरेंट्स और टीचर्स के अलावा इंडियन लिटरेचर और फिलोसफी। अब वेल्स इनकी पोएम वेस्टलैंड में देखोगे कि कुछ हद तक उसमें इंडियन लिटरेचर और फिलोसफी को भी शामिल किया गया है। इसके बाद सबसे बड़ा, सबसे मेजर इन्फ्लुएंस था इनके लिटरेरी वर्क्स पर एज्रा पाउंड का, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इनसे मिले थे। दूसरा मेटाफिजिकल पोइट्स का ग्रेटली इन्फ्लुएंस था, जो टेक्निक्स जॉन डन यूज़ करते थे उनका इन्फ्लुएंस था इन पर। तीसरा डेंटी का बड़ा इन्फ्लुएंस था दांते का। Eliot दांते को एक यूनिवर्सल पोएट मानते थे, दांते की डिवाइन कॉमेडी से बहुत प्रभावित थे ये। दांते से इन्होंने सीखा था कि अपने वर्ड्स को पॉलिश कैसे किया जाए। इसके अलावा चौथा फ्रेंच सिंबलिस्ट्स का बड़ा इन्फ्लुएंस था इन पर। फ्रेंच सिंबलिस्ट की बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करते थे ये अपनी पोएम्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इनकी एक पोएम है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, मैंने आपको बताया, इसके अंदर एक लाइन है दोस्तों जिसमें जे अल्फ्रेड बोलता है, मैंने अपनी लाइफ को कॉफ़ी के चम्मचों से नापा है। अब आप खुद सोचो कि अपनी लाइफ को कोई कॉफ़ी के चम्मचों से कैसे नाप सकता है। तो ये सीधा सीधा सिंबल है इस बात का कि जे अल्फ्रेड ने अपनी बहुत सी लाइफ कॉफ़ी के पार्लर्स में बैठे बिताई है। तो ये सारे पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल साबित होगी। तो ऐसे T.S. Eliot मॉडर्न सिविलाइजेशन में करप्शन को दिखाने की कोशिश करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।